तो भाई सुबह का वक्त है और करीबन 8 ही बजे और अभी हम लोग जा रहे हैं बारात। तो बारात के लिए बहुत सारे लोग हैं जा रहे हैं, पता नहीं कितने, मतलब 2 बसें हैं बोलते हैं, बाकी देखते हैं। भाई रायगढ़िया बारात को जैसा जाते हैं पहली बार अपन लोग बारात पैदल चल रहे हैं। पैदल चल रहे हैं। कितना दूर तक जाएंगे? 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर हम लोग पैदल जाएंगे। अरे नहीं, गलत बात है, ये चीज़ ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग थोड़ी दूर तक ही जाएंगे क्योंकि अंदर तक बसें वगैरह नहीं जाता है, मतलब थोड़ा सकरा गली है। बाकी देखते हैं यार क्या होता है, मेरा तो हालत ख़राब हो जाएगा, मैं तो जानता ही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सफ़र होने वाला है। बाकी सब ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओ भाई लेकिन एरिया बहुत जबरदस्त है भाई, ऐसे एरिया ना बहुत कम ही देखने मिलते हैं। बना टाटा में मिलता ना है। गांव को पूरा ना सुरक्षित करने के लिए वाला दीवार उठाया गया है, चीन का दीवार, वो तो वैसे ही है टाइम पास है, असली दीवार ये है। हाँ? नहीं भाई, दो लोग तो पीछे रुके थे ना। इसी बस से जाने वाले भैया, खाली कौन सा है रे, खिड़की सीट नहीं मिली बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्या नहीं रुकवाएंगे ना बीच रास्ते में, कहाँ लगा 50-50 किलोमीटर का रेस्ट लेंगे भाई, तभी ना जा पाएंगे, है ना भैया। भाई अभी हमें कुमारता में जो कि सागर का बारात हम लोग आए, तो गांव का अभी मतलब ये समझो कि 3 बजे और 3 बजे हम लोग बारात पहुंचे हैं यहाँ पे। और अभी 5 और 5 बजे आज दिन का पहला खाना हम लोग खाने वाले हैं, तो बहुत चीज़ सही है। और भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैठ के खाना खाने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। तो जैसे यहाँ पे पहुँचे हम लोग, तो आने के बाद सीधे ऐसे बैठ गए और ये रहा पत्तल, जो कि हाँ पत्तल वही, ठीक है, ये बना है पेपर का डिप जो जल गिलास गिलास हाँ डिप जो जल भैया कैसे हो। यह यादवेंद्र और इसका नाम है करम साय और यह पत्री डिस्पोजल और इधर किशन और बाकी सारे दोस्त। <laughs>
मशरूम, आलू और परवल की सब्जी, पापड़, आलू, करेला,